भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि उनके खिलाफ 6ठा मामला खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई गई आईपीसी की इन दोनों धाराओं का मतलब और इनमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कितने साल की सजा हो सकती है, आपको बताते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो भी कोई स्त्री की लज्जा भंग करने या फिर ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा इस आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वो इस धारा के तहत आरोपी बनाया जाएगा। सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी कराए गए शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जो कि कम से कम 1 वर्ष होगी। इस सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोषी आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। ये गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है जो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 354D की बात करें तो इसके तहत किसी महिला का अनुसरण करने और ऐसी महिला द्वारा अरुचि के साफ संकेत के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बार बार ऐसी महिला से संपर्क करना या संपर्क करने की कोशिश करना या फिर किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप के इस्तेमाल की निगरानी करना या उसका पीछा करना भी अपराध माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराए जाने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और दूसरी बार दोष सिद्धि होने पर उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी भारत में यहाँ के रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी में 23 चैप्टर हैं, जिनमें कुल 511 धाराएं हैं। सबसे अहम बात यह है कि आईपीसी भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। पहले जम्मू और कश्मीर में भी आईपीसी के स्थान पर रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। भारतीय दंड संहिता जो कि ब्रिटिश काल में सन 1862 में 1 जनवरी को लागू हुई थी, इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया और लगभग इसी रूप में ये विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू कर दिया गया था।